ये यहाँ के विभाग के लोगों ने क्योंकि क्वारंटीन किया है सारस, इसलिए मौके पे नहीं दिखा सकते थे, उन्होंने सीसीटीवी लगा करके और टीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाया है। मुझे उम्मीद है इसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहाँ सबसे ज्यादा सारस हैं वहाँ भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर लाग बहुसी इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस इलाके में रायबरेली इधर सारस की संख्या बहुत है, सारस की संख्या जहाँ बहुत है वहीं सारस हमारा स्टेट बर्ड भी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई आरिफ को दूंगा कि जब सारस घायल हुआ, चोट लगी उसके पैर में, उड़ नहीं पा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा करना, उसका इलाज कराना, मदद करना ये आरिफ ने किया। और क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ को दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हो सकता है आरिफ से ये गलती हुई हो कि वीडियो बना करके और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग कर करके लोग जाने कि देखिए एक पक्षी और एक इंसान के बीच में कैसे रिश्ता डेवलप हो सकता है। कम से कम वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसके साथ रहने लगा सारस। सारस को उन्होंने कैद नहीं किया, सारस के उन्होंने आज़ादी नहीं छीनी, लेकिन सरकार सारस की आज़ादी छीनी, उसको उठा करके ले करके पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद देंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया और रात भर सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद वापस वन विभाग को दे